नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। उत्तर प्रदेश में मामला सरस्वती जिले के बसवरिया पुराना थाना गिलौला जनपद सरस्वती का है, जहां ग्राम बसवरिया के निवासी धर्मराज का आरोप है कि वो अपनी पत्नी रैना देवी की डिलीवरी कराने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकोना ले गया था, जिसकी डिलीवरी 30 अप्रैल 2020 रात 12:10 पर हुई थी। डिलीवरी के समय रात्रि ड्यूटी में 3 महिलाएं और नर्स उपलब्ध थी। महिला नर्स ने पीड़िता नैना देवी के पति से डिलीवरी के लिए 10,000 की धनराशि मांगी, जिसमें पीड़िता के पास उस समय 6,000 रुपए ही थे, जिसको आशा बहू के पति राजू गुप्ता के द्वारा 6,000 दे दिए गए और शेष 4,000 सुबह देने की बात कही। पीड़िता नैना देवी के पति धर्मराज का आरोप है कि शेष पैसा न देने के कारण मेरे बच्चे का गला घोटकर हत्या कर दी गई है। पीड़ित ने महिला नर्स के खिलाफ जिलाधिकारी महोदय श्रावस्ती, सीएमओ श्रावस्ती, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार और थाना इकोना में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लिखित शिकायत की है। अब देखना यह है कि शासन और जिले के आला अफसर इस पर क्या कुछ कार्रवाई करते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन उस मासूम की हत्या करना पैसों के लिए, यह अत्यंत ही घोर अपराध है। ऐसे व्यक्तियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मामला ये मेरा है कि मेरी पत्नी गर्भवती थी, उसका डिलीवरी का मामला था, तो 30 दिनांक 30/4/2020 को आशा बहू के पति राजू गुप्ता के द्वारा स्वास्थ्य के इकोना हॉस्पिटल में ले जाकर उसकी डिलीवरी कराया गया। शाम को 12 बजे मतलब बच्चा स्वच्छ पैदा हुआ। बच्चा पैदा होने के बाद स्टाफ नर्स जगवंती देवी ने मुझे बताया कि आपका बच्चा इतना स्वस्थ है, आप प्राइवेट में जाते तो 30-40 हज़ार रुपये लग जाती थी, मुझे 10,000 रुपये दे दीजिए। खुशी में उनको मैंने 6,000 रुपये दे, 4,000 कम मेरे पास पैसा था, और मैंने कहा कि 4,000 रुपया राजू आशापति राजू गुप्ता के हाथ में भिजवा दूंगा। 4,000 कम होने के कारण भाई मेरे बच्चे की गला घोट कर उसकी हत्या कर दी गई, जिस प्रकरण में मैंने थाना गौना में जाकर लिखी सूचना दिया और वो 9/10/76 पर मुख्यमंत्री को अवगत कराया, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अवगत कराया। मैंने थाना अध्यक्ष से जाकर के बात की कि बच्चे की गला घोट के जो मारा गया उसकी सजा मतलब कराने की आवश्यकता है कि इसके पोस्टमार्टम कराया जाए। उन्होंने कहा कि इसे कोई अवसर आप जो है मिट्टी कर दीजिए, ये स्पष्ट होता है कि बच्चे की गला घोट कर हत्या की गई है, इसलिए आपकी मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा, उसका बेचना अभी तक चल रहा था, मेरी कार्रवाई नहीं गई।